राम राम जी सभी को, गुड मॉर्निंग। तो जी अब आज हम रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं पूसा IERI। तो बस आपको वहीं की विजिट कराते हैं। बेसिकली IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र में सरकारी संस्थान है, जहाँ की अलग अलग वेराइटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आज अलग अलग चीज़ें हम सभी दिखाएंगे, बताते हैं जी फिर। तो जी स्पेशल गेट से एंट्री होती हुई हमारी यूनियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेसिकली दूसरा वाला गेट है ये, दो गेट और है। यदि आपको यहाँ पर आना है पूसा में तो आप मेट्रो के थ्रू भी आ सकते हैं। ये पूसा कैंपस पूसा रोड से मिलेगा, तो आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं राजेंद्र प्लेस या पटेल नगर मेट्रो स्टेशन से। इंद्रपुरी में भी इसका एक गेट है, एट द सेम टाइम पटेल नगर में भी गेट है, वहाँ से आप एंट्री करके आ सकते हैं। अभी हमें स्पेशल गेट से आया है बिकॉज आपको सीड प्रोडक्शन यूनिट दिखाना है, SPU, जहाँ से बीज की बिक्री होती है। तो इस समय हमारे साथ में विनय सर है, ये NBPGR से है, ये हमारे बहुत अच्छे कलीग रहे, सीनियर रहे हैं, और बस पुराने यादें ताज़ा कर रहे हैं बिकॉज मैंने भी यहाँ पर 7.5 महीने काम किया था, तो यही रोड था जिससे आना जाना लगा रहता था। और मिलाते हैं आपको सभी लोगों से। वैसे आकाश के साथ हमारा अच्छा लम्हा रहा है जो हम गुजारे हैं इस पूसा कैंपस में, और बहुत ही ब्रिलियंट हमारे कलीग रहे हुए हैं लैब में, बहुत फेमस, और PI सर के चहेते भी रहे हुए हैं। थैंक यू। आज फिर से वो लम्हे को दोबारा जीने का अवसर हमको मिला है हमारे दोस्त के साथ, तो बस उसी राह पे चल पड़े हैं अभी। ठीक है जी, तो राह ये वो राह है जिससे हम चल रहे हैं, मिलते हैं। रीजनल स्टेशन ऑफ दिस ब्यूरो मेन इसका नागपुर में, फॉर ऑर्गेनिक थिंग बायोमास यूटिलाइजेशन यूनिट, कंपोस्ट वगैरह का सिखाते हैं जी। इधर है SPU। राम राम। ये यहाँ पर पूसा के बीज मिलते हैं, तो बेसिकली आप जो भी गेट से आएंगे, आप जब पूछेंगे किसी से तो दे विल टेल यू पूसा बीज विक्रय केंद्र। तो ये है, यहाँ पर से आपको अंदर जाना है। दिस इज़ द गेट, SPU सीड प्रोडक्शन यूनिट, एंड वो काउंटर रहा, वहाँ पर से आपको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सभी लिखा रहता है कौन सी वेराइटीज अवेलेबल है, पिन सर प्रोवाइड करते हैं। तो जी मिल गया है बीज, ये तो रहा यहाँ का, बाकी दूसरी जगह भी थोड़ा डिवीज़न में भी जाते हैं, वहाँ पर भी बीज ढूंढते हैं। NSC भी साइड में ही है, तो अब देख सकते हैं NSC, तो NSC में भी जाकर कुछ ट्राई करते हैं, वहाँ से भी कुछ सीड लेते हैं। तो ये है मेन गेट NBPGR का। ये सभी ट्रक खड़े हुए हैं, ट्राइपेड का यहाँ पे सेंट्रल वेयर हाउस भी है एंड NSC का भी, तो इसके लिए ट्रक वगैरह लोड होते हैं एंड जाते आते रहते हैं। इसके अंदर ही हमारा सीट काउंटर भी है NSC का, तो अब चलते हैं इसके अंदर। ये इंजीनियरिंग डिवीज़न, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, पूरा एक्सटेंशन का चलता है। अब हम जा रहे हैं मेन रोड की तरफ, इंद्रपुरी से जो मेन रोड आता है। डिवीज़न ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान विभाग है जी इंद्रपुरी गेट। आप यदि आएंगे तो यहाँ से आएंगे, लाइक दिस पार्किंग है यहाँ पर। इधर अभी हम जा रहे हैं एटिक में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। ये है, ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, चलते अंदर। यहाँ पर भी चार्ट लगे रहता है, सीड सेल काउंटर यहाँ पर भी है। तो ये है जी वन ऑफ द मेन रोड ऑफ पूसा, इसके लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट में बेसिकली पूरी फील्ड है, यहाँ पर रिसर्च वर्क वगैरह चलता है, एंड इधर साइड में बहुत सारे डिविजन सब बने हुए हैं।
पर यही है जी वो स्थान जहाँ पर कि पूसा कृषि मेला लगता है। इस बार भी मे बी फरवरी और मार्च में लगेगा। एंड अभी कुछ तैयारियाँ चल रही है, फंक्शन प्रोग्राम्स होते रहते हैं यहाँ पर। अंदर जाकर हम आपको नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लेना पड़ती है एंड रेफरेंस, उसमें टाइम बहुत लगता है। इंस्टीड ऑफ डेट हम आपको दूसरी और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर हमारा रिसर्च ट्रायल लगा था जब हम थे यहाँ पर। ये सभी फील्ड्स है एंड वहाँ पर सामने लगा था, बताएंगे आपको। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट डिवीज़न मिला है, डिवीज़न ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर जाते हैं, हम बहुत सारी बातें करना है उनसे। ऑर्गेनिक में जो मॉलिकुलर स्टफ जो लगते हैं बायोलॉजिकल, उसके बारे में पता करते हैं। जी अभी आगे जाने की बुला है, वो जो ग्रीन नेट है वहाँ पर मीना साहब से मिलेंगे। बेसिकली वही ट्राइकोडर्मा जो वेक्टर, जो माइक्रोबियल कल्चर उससे रिलेटेड चीज़ें पूछना है तो पता करते हैं। तो जी मीना सर यहाँ पर मिलेंगे। ब्रोशर भी कुछ था ना। तो जी माइक्रोबायोलॉजी में भी काम हो गया है, सूक्ष्म जीवों के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है, कैसे उसको ऑर्डर करना है और जो जो भी नॉलेज था। अब आगे जा रहे हैं दूसरे डिवीज़न की ओर, बता रहे हैं आपको कहाँ जा रहा है। किम्पा से चलते चलते भूख लग गई है, बट टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इसी के लिए अब जूस पीने जा रहे हैं हम। आप भी आ सकते हैं तो जूस पीते हैं, मिलते हैं फिर। जूस बन रहा है तब तक हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। ये है पूसा उत्पाद बिक्री केंद्र। तो यहाँ पर जो भी पूसा का मटेरियल देता है, सब्जी फ्रूट्स वॉट एवर हनी वगैरह, ये सभी मिलते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं अभी सब्जी लगी हुई है सेल में, ऑरेंज वगैरह सब कुछ रखे हैं। इवन यहाँ पर प्लांट्स वगैरह भी मिलते हैं नर्सरी, इफ़ यू वांट यू कैन परचेज फ्रॉम हियर। तो पूसा का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं यहाँ से। ये ऑर्चर्ड लगा हुआ है पूरा अंदर काफ़ी बड़ा फैला हुआ है ऑर्चर्ड, इधर से सप्लाई होती रहती है। तो जी इधर यहाँ पर सब क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं साइंटिस्ट के, इसके पीछे भी बने हुए हैं। ये जी यहाँ का डिस्कवरी सेंटर, यहाँ पर नाहेप के द्वारा स्पॉन्सर्ड ICR। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा रिसर्च चलता है नए नए इनोवेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी के एंड जो भी प्लांट से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, दे आर डूइंग इनसाइड दैट। तो जी वो गेट है वहाँ पर, कॉर्नर में गार्ड साहब खड़े हुए हैं, उनको बताते हैं हम हमारा ID वगैरह रेफरेंस, मिलते हैं फिर। फाइनली कुछ ही समय में हम हमारे डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स में आनुवंशिकी विभाग में एंटर करने वाले हैं। प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट लिया है, बस अभी मिल जाए होप सो। तो जाते हैं फिर बताते हैं। Here we go. So, जी ये है डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स। ये है जेनेटिक्स के गॉड फादर ग्रिगर जॉन मेंडल साहब की प्रतिमा। फॉर्चुनेटली इनके अनावरण के टाइम हम भी थे यहाँ पर। तो ये है, ऑल दो हमको वहाँ जाना है, पल्स रिसर्च लेबोरेटरी। इसी डिवीज़न में एक नई ब्रांच है जिसमें कि पल्स क्रॉप का पूरा काम होता है। ये हमारे बॉस की कार 9525। दिस इज़ द पल्स रिसर्च लेबोरेटरी एंटरिंग। यहाँ पर अलग अलग डिवीज़न है। here. आप थक गए हो तो पानी भी पी सकते हो यहाँ पर। चलते हैं ऊपर, मिलते हैं। नीरज सर इज देयर।
हेलो सर। हेलो सर, प्रणाम। कैसे सर? बढ़िया। तो वो श्रीनिजा खड़ी है, देखते उसका एक्सप्रेशन। हाय श्रीनिजा, आई एम ग्रेट। हेलो सर, इट्स टर्न ऑफ चेतना मैम। डॉक्टर मौका उमा सर के साथ बुलेट पे बैठने का एडवेंचरस राइड। ट्रेन भी आ गया फिर से, आज पुरानी यादें ताजा। चाय नाश्ता करते हैं, पुरानी दोस्ती ताजा। काटना मत, बस काटेगा नहीं। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी नाइस। ये है फैकल्टी क्लब, यहाँ पर सभी और जो मेंबर्स है, सीनियर साइंटिस्ट वगैरह, उनका सबका टूर्नामेंट्स, बैडमिंटन, वॉटेवर होता है। एंड ये है नर्मदा कॉम्प्लेक्स, बेसिकली कैंपस के अंदर आपको जो भी ग्रोसरी या फिर स्टेशनरी समथिंग चाहिए तो यहाँ पर सब मिलता है। फाइनली वी आर गोइंग टू मीट गौतम सर। ये मुँह दिखाइए, गौर से देखिए, यही है वो चेहरा। बहुत ही गजब के सीनियर हमारे। हाउ आर यू सर? ब्लॉग में जा रहा है। हाउ आर यू सर? ब्लॉग में जाना है क्या? हाँ तो जी यहाँ पे सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, पूरा सीड से रिलेटेड काम इस बिल्डिंग में चलता है जी। तो जी अभी हम आ गए हैं कैफेटेरिया में IRI के, बहुत ही डिलीशियस खाना मिलता है यहाँ पर। बताते हैं आपको क्या मिल रहा है। वो विंडो पे से हमें लेना है, भीड़ बहुत है, लड़ना पड़ेगा सभी से। मिलते हैं फिर लेने के बाद। टाइम बिल्कुल नहीं है इसके लिए, अब यही खाना पड़ेगा अभी हमें जल्दी में, बहुत सारे काम और बचे हुए हैं। तो जो अभी हम हैं डिवीज़न ऑफ फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग, देन उधर वेजिटेबल साइंस से पीछे वहाँ पर जा रहे हैं हम। डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर, ये डिवीज़न है। बस जाते हैं अंदर। देखिए जी ये फील्ड है हॉर्टिकल्चर की, इस प्रकार से ये मैनेज कर रहे हैं बढ़िया। एंड ये सब प्लांट्स रेडी कर रहे हैं सेल के लिए। ओह माय गॉड, शिल्पा मैम, हाउ आर यू मैम? I am good. Thank you so much for your support. Now I am leaving. So we will meet soon. Yes, we okay. will. And why are you making this because video? Because you will come in the blog. Oh wow. Yeah. Bullet chala rahe hai ji. Theek hai. Milte hai phir. Thoda campus ghumna padega na. To ji finally hum hamari field aa gaye. Dil hai ki manta nahi. To aana hi pada. So dekh sakte hain yahan par surya dalne wala hai and subah se kaam kar rahe hai. गौतम सर व्लॉग में आओगे आप? थोड़ी सी शर्म नहीं आपको? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। एंड श्रीनिजा सी वो लीफ के सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। एंड आप क्या करेंगे मैम इसका? जीन एक्सट्रैक्शन। जीन एक्सट्रैक्शन, देन व्हाट? देन PCR। ओके, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा मॉलिकुलर के बेसिस पे, मार्कर असिस्टेंट के बेसिस पे पूरा जो है वैरायटी का डेवलपमेंट होता है। डॉक्टर सी भारद्वाज के अंडर में पूरी टीम वर्क करती है। सो इट्स लाइक दिस। तो देख सकते हैं अभी प्लॉट लगा है यहाँ पर, अभी ग्रो हो रहा है। एंड उधर मस्टर्ड लगा हुआ है एंड ये सब भी काम चलते जा रहा है। सो इट्स द IRI फील्ड, ये पूरा रिसर्च स्टेशन है। तो जी आज का जो ये गजब का सफ़र था, इतने गजब के लोगों से फिर से मिले, यादें ताज़ा हुई और उनसे बहुत गजब का नॉलेज मिला। एट द सेम टाइम सीड्स भी लिए काफ़ी सारे
अब उनको ग्रो करके देखना है नेक्स्ट वाई जेड थिंग। अल्टीमेटली बहुत सारा सीखा, बहुत सारा काम किया, बहुत समझा। भारद्वाज साहब ने स्पेशली बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया सर ने, और बाकी सभी लोगों ने भी बहुत गाइडेंस दिया है। एक अब नई सोच डेवलप करने में बहुत मदद की है, सो उनके लिए उनका बहुत धन्यवाद सभी का। एंड बस जी, आज का यही ख़त्म हुआ, अब हम जाते हैं, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राम राम।